जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं स्वागत करता हूं मेरी एक नई वीडियो में। बात है OPS पेंशन की। OPS पेंशन जहां देखो OPS पेंशन, जिधर देखो OPS पेंशन। ऑल पेंशन स्कीम योजना को लागू करवाने के लिए भारत देश में एक बहुत बड़ा कैंपेन चल चुका है। हर तरह का लोग, इवन की जो पेंशन से जुड़ा नहीं है, वो भी इस बात को कहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। और अब देश के स्टेट्स के अलग अलग विधानसभाओं में जहां पर अधिवेशन्स होते हैं, संसद में जहां पर एमएलए एमपीज बैठते हैं, वहां पर भी इस बात की गूंज पहुंच चुकी है। और उस गूंज को उठाया है पुरानी पेंशन पर सांसद में गरजने वाले धर्मेंद्र यादव का। ओपीएस पर पूरा भाषण सुनेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से। ओपीएस कर्मचारियों के मुद्दे पर भी वित्त मंत्री और पीएम मोदी को ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने घेरा है। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग टीबी नाथन, जो सचिव ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने भी कुछ क्लेरिफिकेशंस दिए हैं। उन्होंने तो यह तक कह दिया है कि गवर्नमेंट अब ओपीएस बहाली असंभव है, जबकि कर्मचारी पूरी तरह ये चाहते हैं कि ओपीएस ही चाहिए, ओनली ओपीएस चाहिए। वोट फॉर ओपीएस, यानी कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि हमने वोट सिर्फ ओपीएस को लागू करने के लिए दिया था बीजेपी को, रादर देन वी नॉट अ बीजेपी, वी वांट ओपीएस। तो पहले आप ये भाषण सुनेंगे और उसके बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए मेरे फ्रेंड, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाई जाती है वो विदाउट किसी सोर्स के नहीं होती है। देर इज़ अ सम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है और आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि किस तरह एक एमएलए ने और संसद में अपनी धमाकेदार आवाज़ के साथ ओपीएस का मुद्दा उठाया है। इस तरह के नेताओं का समर्थन भी हमें करना चाहिए। तो आप देखेंगे अतर LLB यूट्यूब चैनल के सौजन्य से संसद में किस तरह एक MP ने, एक MLA ने OPS का मुद्दा उठाया। नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की JNU से लेके, BHU से लेके, MU से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में RSS का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो, देश नहीं देख रहा है नौजवान? UGC का बजट लगातार कम किया जा रहा है। मेरा खुला आरोप है इस सरकार पर कि ये सरकार शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में देके, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देके, देश के 140 करोड़, जिसमें मैं समझता हूँ 90% लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का ये जो आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए हम लोग इस मौके पे विरोध करते हैं। लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, सामाजिक असमानता। सभापति महोदय, 2014 में जिस समय सरकार बनी थी NDA की, उस समय देश की जितनी भी जो आर्थिक चीजें थी, जो वेल्थ थी, उसमें पिछड़ों की हैसियत 17% और आज 10 साल की NDA की सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत हो गई है केवल 9%। मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दे, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दूं, एक भी अरबपति हो तो बता दूं, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दूं, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दूं, आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। सभापति महोदय, जब जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो, पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है, कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवक्ता आप बनते हो, मैं मांग करता हूं
देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त है ना, सीमा में जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। इसी तरह से सभापति महोदय, देश के अंदर बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारी, एक से एक बढ़िया फार्मूला। अब कानूनन मंडल आयोग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े दलितों को रोके, तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी। आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए, उनके पास कोई कानूनी हक नहीं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे, और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। इसी तरह सभापति महोदय, हम मांग करते हैं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके सभापति महोदय। कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। तो देखा दोस्तों किस तरह से एक सांसद ने, एक MLA ने OPS के बारे में गवर्नमेंट को आईना दिखाने की कोशिश की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी गवर्नमेंट को समय समय पर आपके प्रतिनिधियों द्वारा आपकी डिमांड्स को पहुंचाने की कोशिश की गई है, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, रिपोर्टर्स के माध्यम से इस गवर्नमेंट को चेताने की कोशिश की गई है। अब जो ये मुद्दा है OPS का, वो उतना गहरा हो चुका है मेरे डियर फ्रेंड, कि एम्प्लॉयज़ का सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें OPS चाहिए, गवर्नमेंट उन्हें OPS दे। यदि गवर्नमेंट OPS नहीं देती है तो अगली बार BJP सरकार नहीं आएगी, ऐसा लोगों का कहना है। अच्छा, मैं आपके रिगार्ड इसके कंसर्न में कुछ आपको मेरे वीडियोस पर आए हुए कमेंट्स को रूबरू कराना चाहूँगा, जहाँ मेरे वीडियोस पर लोग कमेंट करते हैं, मैं उन्हें आपको बताना चाहूँगा। गौर फरमाइएगा कि किस तरह कमेंट में लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। माय डियर फ्रेंड, ये मेरा चैनल है और आज का ये मेरा वीडियो था जो मैंने 7 घंटे पहले डाला था, ये आप देख पा रहे हैं, 18K व्यूज़ आए हैं। इस वीडियो में कितने कमेंट्स आए हैं आप इनको देखिए। BJP हटाओ, OPS पाओ, बार बार बैठक, और बैठक के अलावा कुछ भी नहीं, लोगों को पुलिस बना रही है, नेक्स्ट इलेक्शन में BJP शाप, ये गवर्नमेंट गरीबों का दुश्मन है। उसके बाद आगे देखिए, ओनली OPS, सही कहा, जब 6 राज्यों में ओल्ड पेंशन, फिर बाकी राज्य या पूरे देश में ओल्ड पेंशन क्यों नहीं, ओल्ड पेंशन होनी चाहिए, और ओल्ड पेंशन लागू करे केंद्र सरकार, भाजपा हटाओ, पेंशन लाओ, वोट फॉर OPS, वोट फॉर ओनली OPS, इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को चेताया जा रहा है। OPS एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गवर्नमेंट वोट कमा सकती है, यदि गवर्नमेंट OPS लागू करती है। पुरान पेंशन पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 60,000 शिक्षकों को मिलेगा लाभ, ये देख लीजिए। रिसेंटली सबसे लास्ट में जो OPS पेंशन लागू किए, वो UP ने किए। दोस्तों मैं आपको एक जागरण की ये न्यूज़ दिखाता हूँ, देखिए, आम नागरों के खिलाफ होगा पुरानी पेंशन लागू करना, इंटरव्यू में बोले वित्त सचिव। क्या बोले कि यदि OPS को लागू कर दिया जाए तो ये OPS लागू करना आम जनता के खिलाफ होगा। आप ये समझो, आम जनता इन OPS पर्सन से जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको OPS लागू करेंगे, ये क्या आम जनता से बाहर है या आम जनता इनके अलग है? मैं ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट क्यों इस तरह से बातों को घुमाकर इस पब्लिक को गुमराह कर रही है? गवर्नमेंट का सीधा सा हिसाब किताब है, पैसा है गवर्नमेंट को, ये दे देना चाहिए, बस ख़त्म। गवर्नमेंट को बातें बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
ये जनता अपने लीडर को, अपने प्रतिनिधि को वोट इसलिए करती है कि वो उनका काम करवा सके। अब बीजेपी गवर्नमेंट यदि सत्ता में है तो इस पब्लिक की वजह से है, और ये आम जनता ही वो एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि ये वो उद्योगपति नहीं है, ये आम जनता ही हैं और आम जनता से ही एम्प्लॉयज़ आते हैं और उन्हीं को ओपीएस की ज़रूरत है। तो वोट फॉर ओपीएस का हैशटैग चलाइए आप, हैशटैग यूज़ कीजिए वोट फॉर ओपीएस, ताकि गवर्नमेंट तक आपकी मांग पहुंच सके, गवर्नमेंट को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेवेंसेस भेजिए और ओपीएस को लागू करवाने की मांग कीजिए। और वित्त सचिव ने जो इंटरव्यू दिया था उसके बारे में अगला एक जल्दी वीडियो लाऊंगा, उसमें इस न्यूज़ को और वित्त सचिव सर के जो इंटरव्यू था उसको, दोनों को एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बने रहें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लिए। धन्यवाद आप सबका।